ये पत्थरबाजी कर रहे लोग कोई रोजगार की मांग करने वाले युवा या फिर जनता या असामाजिक तत्व नहीं है जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। दरअसल ये भी पुलिस वाले हैं जो सामने खड़े पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं। क्या हुआ, चौंक गए ना आप कि आखिर पुलिस वाले ही पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? इन पुलिस वालों की कोई मांग भी नहीं है और ना ही ये किसी बात का विरोध कर रहे हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इस पर थाना अधिकारी का क्या कहना है। ये श्रीमान एसपी साहब अलवर के आदेश अनुसार पूरे जिले में सभी सीओ सर्किल के जाब्ते का अलग अलग जगहों पर जो बलवा कंट्रोल की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पुलिसकर्मी फायरिंग और आंसू गैस छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी सागर मल भी कह रहे हैं कि ये सब एसपी के कहने पर हो रहा है। ये श्रीमान एसपी साहब अलवर के आदेश अनुसार पूरे जिले में सभी सीओ सर्किल के जाब्ते का अलग अलग जगहों पर जो बलवा कंट्रोल की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जिसके अंदर लाठीचार्ज है, गैस गन है और अपने पंप गन वगैरह है, इनका प्रयोग करना, प्रैक्टिस और इनको कैसे काम में लिया जाए, कैसे भीड़ को बलवे को कंट्रोल किया जाए, इसकी प्रैक्टिस की गई है। लेकिन अब यहाँ अलवर पुलिस के लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि पुलिस प्रैक्टिस कर रही है सरिस्का के अकबर रेंज में नटनी बारा टाइगर रिजर्व के पास, जहाँ पर बिना अनुमति हथियार लेकर जाना ही कानूनन अपराध है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट या अंदर कहीं पर पुलिस फायरिंग की जा रही है, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए की जा रही है, चाहे किसी के लिए की जा रही है, उसकी जांच के लिए मैंने उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए डीएफओ को लिखा है। अगर कोई हमारे सेंचुरी के अंदर या नेशनल पार्क के अंदर कोई वैसे फायरिंग करता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है, उसके लिए देन अब हमारा डीएफओ अधिकृत है कोई काम करता है। सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर गोविंद सागर भारद्वाज ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने सरिस्का के डीएफओ हेमंत सिंह से टाइगर रिजर्व में हुई फायरिंग की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस खुद कानून का पालन करवाती है, ऐसे में फायरिंग रेंज के अलावा दूसरी जगह पर बिना अनुमति के किसी भी फायरिंग का अभ्यास नहीं किया जा सकता है।